आप देख रहे हैं कि जो हिंदुस्तान है एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता में फूल रहते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं और आप देख रहे हैं कि यही एक गंगा जमुना तहजीब है। और आप देख रहे हैं इमरान भाई यहाँ पे पावटी गांव है वहाँ पे पहुँचे हैं और आप देख रहे हैं ये सामने शिव मंदिर है, वहाँ पे सभी धर्म के लोग आए हुए हैं और दिवाली सब भाइयों के साथ मिलकर वो दिवाली मना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव का समय है, इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन हमेशा लोग और इमरान भाई इसी तरह से कार्यक्रम करता है 36 बिरादरियों के साथ, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। और आप देख रहे हैं कि इमरान भाई भी आज इस खुशी में शिरकत करने आए हैं और लोगों के बीच में आप देख रहे हैं दिवाली मना रहे भाइयों के साथ, यानी का कोई भेदभाव नहीं है। और आप देख रहे हैं कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं कैमरामैन से बोलूं दिखाए कितने लोग यहाँ पे आए हैं और दिवाली मनाने के लिए इमरान भाई के साथ। सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है, सब एक समाज एक भाई की तरह यहाँ पे दिवाली का पर्व मना रहे हैं। माताएं बहनें आ चुकी हैं, माता यहाँ पे आ चुकी है, वो देखो वो भी इमरान भाई को आशीर्वाद देने आई है, क्योंकि वो दिवाली उनके साथ मनाने आया है। आप देख रहे हैं कितना खुशी का पल है ये, ये एक नेता के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो राजनीति वोट चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सब समाज को साथ लेने के एक साथ लेके चलने के लिए ये राजनीति आज का कदम उठाए, ये सबसे बड़ा बात है। आप देख रहे हैं माताएं बहनें आ रही हैं, उनको आशीर्वाद दे रही हैं और उनका कहना, क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम कला है। अच्छा, आशीर्वाद देना यहाँ। अच्छा, किसको? सुखमान इमरान को। अच्छा, तो आपके साथ वो दिवाली मनाने के लिए आए? हाँ, दिवाली मना, बहुत खुशियाँ खुशियाँ बेटा, खुशियाँ खुशियाँ। आज तक कोई नेता आया कि आपको? ना, नहायो कोई नहायो, बेटा आयो कोई नहायो, अब के दूसरा तीसरा आयो, यू बेटा आयो कोई। अच्छा अच्छा, पहले भी आ चुका है? हाँ पहले तो भी। आपको मैंने पहले भी बताया कोई राजनीति की चुनाव की कोई बात नहीं है, इनका कहना है कि जो माताजी मेरे साथ खड़ी है वो यही कह रही है कि ये चुनाव से पहले भी हमारे साथ दिवाली मनाने आते हैं। आप देख रहे यहाँ पे जाति धर्म कोई ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, ये सर्व धर्म एक साथ रहते हैं और भाईचारा सबसे बड़ी बात है। ये आज मैं पावटी गांव में खड़ा हूँ और ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर में सभी धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पे खड़े हैं और दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, देव दिवाली मना रहे हैं। आप देख रहे हैं इमरान भाई भी आए हुए हैं यहाँ पे और आप देख रहे हैं वो दिवाली मनाने आए हैं, दिवाली सबके साथ मना रहे हैं, दिवाली मिठाई खिला रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। आप बताओ क्या नाम है आपका? श्यामदास। तो क्या कहेंगे जो आज इमरान भाई आपके साथ दिवाली मनाने के लिए आए हैं, तो क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा नेता कभी देखा नहीं दिवाली मनाने के लिए। जी पहली बार आया। पहली बार आए? हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं है चुनाव के टाइम आए हो? नहीं नहीं, पहले भी आते रहते हैं भाई साहब। पहले भी आते रहते हैं? तो आप बताइए भाई साहब क्या नाम है आपका? राजू भाई साहब मेरा नाम। क्या कहेंगे आज के जो दिवाली के आपके साथ मनाने के लिए आए हैं इमरान भाई, तो आप क्या कहेंगे? इमरान भाई पिछले 2 साल से हमारे साथ रह रहे हैं, 2 साल से हमारे बीच रह रहे हैं, हमारे घर पे भी आ रहे हैं, सबको ये नहीं है कि आते हैं भाई चुनाव हैं जब उसके बाद दिवाली मना रहे हैं, हमारे बीच 2 साल से रह रहे हैं इमरान भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं ना सिख ईसाई सब भाई भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली नहीं। चुनाव का समय है, लोग और राजनेता एक चुनाव के लिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये कर रहे हैं, क्या ये सही हो रहा है? नहीं ये गलत हो रहा है जी, ये धर्म स्थल मस्जिद हो मंदिर हो गुरुद्वारा हो चर्च हो ये सब धर्म स्थल है, इसके बारे में किसी को विरोध नहीं करना, ये सब हम भाई भाई हैं, सब ऊपर से भगवान ने एक ही बना के भेजा, हम यहाँ के में नफरत फैलाई हम चीज़ों ने, कोई नफरत नहीं, हम सब भाई भाई, मुसलमान हो हिंदू हो सिख हो हम सब भाई भाई हैं सब। तो आप देख रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं है। इमरान भाई जिंदाबाद, इमरान भाई जिंदाबाद, इमरान भाई जिंदाबाद। आप
देख रहे हैं कोई भेदभाव नहीं है, क्षेत्र में एक खुशी की लहर है क्योंकि सब भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन राजनेता कुछ चंद लोग अपनी वोट बैंक के लिए समाज को बांटने का काम करते हैं, भाषणबाजियों से और लोगों को बांटने का काम करते हैं। आप देख रहे हैं जो कांग्रेस के एक प्रत्याशी है इमरान खान अपने भाइयों के साथ दिवाली मनाने के लिए आए हैं ये पावटी गांव में, और ये मंदिर में भी उन्होंने दीवा जलाया है अपने हाथों से, आप देख रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। इमरान भाई मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि आज का जो पर्व है बहुत खुशी का पर्व है, चाहे ईद हो, दिवाली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, सर्व धर्म एक साथ खुशी के साथ मनाते हैं, भाईचारा कायम रखते हैं, लेकिन कुछ चंद नेता ऐसे होते हैं जो भाई को भाई से अलग करते हैं, और आज जो इमरान भाई यहाँ पे आए हैं वो भाई से भाई जोड़ने का कायम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और इमरान भाई क्या लगता है, चुनाव का समय है क्या इसलिए आए हैं या पहले भी ऐसा होता है? देखो, सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को और सभी भाइयों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ, और जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में माहौल को बनाया जा रहा है, मेरा ये घर का गांव है, गांव पावटी, यहाँ मेरा बहुत आना जाना है, सभी भाइयों से मेरा बहुत प्यार प्रेम है, बहुत सम्मान मुझे मिलता है। हम दीपावली पता नहीं कितने साल, मतलब मेरी उम्र 36 साल है, 20 साल से तो हम लोग मनाते आ रहे हैं, और इतना ज़्यादा जितना खर्चा और जितना मेहनत और जितना हम घर घर जाके मिठाइयाँ बांटते बधाइयाँ देते हैं शायद ही कोई करता हो दिवाली पे, लेकिन इस बार क्योंकि राजनीति है, चुनाव हैं, वक्त नहीं लग रहा है, तो हमने सोचा किस तरीके से दिवाली को, तो हमने पावटी वाले भाइयों ने बोला कि हम गाँव में मनाते हैं दिवाली, तो मेरा यहाँ गाँव में यहाँ आके इनके साथ दिवाली मना रहा हूँ। और मैं तो सभी भाइयों से ये बोलूँगा कि सर्व धर्म का सबका सम्मान करना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, सभी के सुख दुख में, त्यौहार में, परेशानियों में शामिल होना चाहिए। तो हम तो यही पैगाम है इसके थ्रू कि सभी भाइयों को हम बधाई भी दे रहे हैं और इनके साथ हम अपने ये खुशी के पल बांट रहे हैं। इमरान भाई, जैसे आपने भी देखे हैं बहुत भाषणबाजी हुई है, और हिंदू मुस्लिम मस्जिद गुरुद्वारा, क्या लगता है कि ये क्या केवल राजनीतिक जो पार्टी हैं अपनी वोट बटोरने के लिए काम कर रहे हैं, एक भाई से जुदा कर रहे हैं? हाँ, ये देखो, वोटों की राजनीति के लिए ये आदमी इस तरीके के दाव खेल रहे हैं, पर उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे नहीं लगता कि जा रहा है कि जनता को इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ रहा है, सब लोग मेरे व्यवहार को जानते हैं, सब यहाँ आपसी भाईचारे को जानते हैं, और ये बना रहेगा और ये सदियों तक चलेगा और पहले भी चलता रहा है, तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ, बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि उनकी सब ये दाव पेच काम नहीं करेंगे। इमरान जी, ये दिवाली का जो खुशी का जो पर्व है, क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को, ये तिजारा की जनता को? मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, जिस नेता को आप पसंद करते हो, जिस पार्टी को आप पसंद करते हो, भले ही पसंद करते रहो, भले ही वोट देते रहो, मुद्दे की राजनीति करने वाले लोगों को वोट दो और उनको जिता के आके भेजो। मैं ये नहीं कहता कि सारे भाई तुम आंख बंद करके किसी के साथ भी लग जाओ और क्या कहते हैं, मुद्दे की राजनीति करो, लेकिन वोट किसी को भी दो, प्यार से रहो, सबका सम्मान करो, सर्व धर्म का सम्मान करो, सभी जातियों का सम्मान करो, और आपस में मिलजुल के भाईचारे से रहो। मैं यही एक पैगाम देना चाहता हूँ। वोट के थैंक यू बात करने के लिए। क्या नाम? राजेश कुमार नाम है। कुछ लोग इस चुनाव को मतलब धार्मिक भाव वो देना चाह रहे रूप इसको, पर हम भाई इमरान के साथ मिलकर इस चुनाव को धार्मिक रूप नहीं लेने देंगे, क्योंकि जातिगत जो धार्मिक चुनाव होते हैं उनसे हमारा नुकसान होता है, किसी और का नहीं होता। हमें यहाँ पे विकास की राजनीति करवानी, और वो इमरान भाई के अलावा कोई नहीं कर सकता। हमारे सुख दुख में भाई इमरान हमारे साथ खड़े हुए हैं, आज से नहीं, काफ़ी पहले से ही। ये तो चुनाव की बातें अब हैं, काफ़ी सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम भाई इमरान के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे हर सुख दुख में भाई इमरान ने साथ दिया है, और हम इस धार्मिक चुनाव नहीं होने देंगे। जहाँ तक हमारा बस चलेगा, हम इस चुनाव को धार्मिक नहीं होने देंगे, और भाई इमरान ने अपना जी जोर लगा रखा है, इस चुनाव को धार्मिक नहीं होने देंगे। जो भी चुनाव है, अगर विकास के ऊपर हों तो उनमें हमारा आपसी भाईचारा है जो वो बन के रहता है। हमारे गाँव के अंदर 3 कास्ट हैं और तीनों ऐसे मिल के रहते हैं, तो वही चुनाव है। ये चुनाव लोग हैं ना जो वो इसको धार्मिक रूप देते हैं, पर आपसी लोग मिलजुल के रहते हैं, तो बट इमरान भाई के अंदर वो चीज़ नहीं है कि लोगों को आपस में तोड़ दो या बांट दो। भाई इमरान के ऊपर कोई बात नहीं करता, हर धर्म का सम्मान करता है भाई इमरान, इसलिए हम भाई इमरान के बहुत बड़े फैन हैं। आज के दिन बहुत बड़ा त्यौहार है, और इमरान भाई आपकी जो खुशी है उसमें शामिल होने आए हैं,
उसमें शामिल होने आए हैं तो क्या कहेंगे आप? मैं भाई इमरान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ आके यहाँ पे दिवाली मनाई है। हमें बहुत खुशी हुई है, शायद मेरी लाइफ की पहली ऐसी दिवाली है जो आज मुझे इतनी खुशी हुई है इस दिवाली के अंदर। और मैं बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भाई इमरान का कि वो हमारे बीच आए और हमारे साथ दिवाली मनाई। थैंक यू बात करने के लिए। आप देख रहे हैं जी हिंदू मुस्लिम आप देख रहे हैं, आप मेरे कैमरे से मैं दिखाऊं, ये मंदिर है आप देख लें। जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मंदिर की बात करते हैं, आज इमरान भाई इस मंदिर में आए हैं। आप देख रहे हैं सब भाइयों के साथ इस मंदिर में बैठकर दिवाली मनाई है और दिए जलाए हैं। ये शिव मंदिर है, आप देख रहे हैं ये सामने दो दिए जलाए हैं उन इमरान भाई ने जो जलाए हैं। ये सबसे बड़ा आज का बहुत बड़ा पल है क्योंकि ये दिवाली भाइयों के साथ मनाना है। लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं। रिजवान भाई क्या लगता है आज का जो पर्व इमरान भाई यहाँ पे मनाने आए हैं क्या कहेंगे? ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, मैं इसके बारे में बयान नहीं कर सकता क्योंकि जिस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने एक लंबे वनवास के बाद विजय पाई थी और अयोध्या लौटे थे और अयोध्या वासियों ने घी के दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, आज उसी तरह हमारे विधानसभा के प्रत्याशी होने के बावजूद इतने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर गांव पहुंचे इमरान जी, तो बड़ा काबिल तारीफ़ है। इस तरह की अगर सियासत कही जाती है तो मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के तमाम नेताओं को ये सियासत करनी चाहिए कि एक दीपावली गरीबों के साथ मनाई जाए। बहुत अच्छा है, अच्छा लगा मैसेज। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सत श्री अकाल भी बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, राम राम भी बोलेंगे और हर धर्म का हम सम्मान करेंगे क्योंकि वसुदेव कुटुंबकम सर्वधर्म संभाव, सब हम एक हैं। हिंदू मुस्लिम राजस्थान।